जगदलपुर का रियासत कालीन धरोहर दलपत सागर राजनीति की भेंट चढ़ा। न्यायालय के आदेश को भी दिखा रहे हैं ठेंगा। नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज की खास प्रस्तुति तफ्तीश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर के बीचों बीच स्थित रियासत कालीन ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब पर चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। वहीं गैराज संचालकों ने इसे ट्रक लैंड में तब्दील कर दिया है। सफाई के नाम पर नगर निगम खाना पूर्ति ही करता है। दलपत सागर की साफ सफाई और बेजा कब्जे से मुक्ति को लेकर पिछले 5 वर्षों से दलपत सागर बचाओ मंच ने आंदोलन भी चला कर रखा। इस दौरान जगदलपुर बंद भी कराया गया। मामले को राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने भी ले जाया गया, पर दलपत सागर की सेहत सुधरने की बजाय और बिगड़ी ही है। जहां पूरे देश और छत्तीसगढ़ में तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम हो रहा है, वहीं जगदलपुर का ऐतिहासिक तालाब राजनीति की भेंट चढ़ गया है और अपने मूल अस्तित्व और सुंदरता के लिए किसी बड़े अभियान की बाट जो रहे हैं। क्यों हुआ आंदोलन? दलपत सागर बचाओ मंच ने 2013 से दलपत सागर के रकबे साफ सफाई के साथ इसे जलकुंभी मुक्त करने आंदोलन किया और मामले को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में भी 2015 में दायर किया। क्या थे मामले के प्रमुख बिंदु? दलपत सागर के क्षेत्रफल को 850 एकड़ से ज्यादा बताया गया, तालाब पर कब्जा होना बताया गया और दलपत सागर के दक्षिण में बन रहे बंद मार्ग को अवैध और बिल्डर को फायदा पहुंचाने वाला बताया गया। प्रशासन ने क्या कहा? स्थानीय प्रशासन और उसके अधीनस्थ विभागों ने मामले में समय समय पर जवाब प्रस्तुत किए, जिसमें दलपत सागर के क्षेत्रफल को लेकर की गई शिकायत को गलत बताते हुए कहा कि 1903 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 307 एकड़ का क्षेत्रफल पहले था और वर्तमान में किए गए सीमांकन में भी क्षेत्रफल उतना ही है। सर्वे ऑफ इंडिया का भी हवाला देते 320 एकड़ का तालाब बताया गया है। दक्षिण में बन रहे मार्ग को भी जगदलपुर की विकास योजना में होना बताया गया। दलपत सागर में पानी भराव को भी पर्याप्त बताते रुके विकास कार्यों को फिर बहाल करने और पूरे मामले को खत्म करने की प्रार्थना ग्रीन ट्रिब्यूनल से की। क्या आया निर्णय? एनजीटी में 31 मैराथन सुनवाइयों के बाद 11 सितंबर 2018 को निर्णय देते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है, अतः मामला समाप्त किए जाने का आदेश किया है। कब मामला प्रकाशन में आया? मामले के निर्णय के 5 माह बाद पूरे प्रकरण का खुलासा नगर निगम की 14 फरवरी को हुई आम सभा की बैठक में हुआ, जब दलपत सागर वार्ड के पार्षद ने पूरे मामले को सदन में रखा और 3 वर्ष से रुके निर्माण कार्यों को फिर से प्रारंभ करने की बात कही। फिर शुरू हुई राजनीति मामले के प्रकाश में आने के बाद। दलपत सागर बचाओ मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामला अभी भी विचाराधीन होना बताया और 8 मामलों में स्टे होना भी बताया। देखिए, दलपत सागर के मैटर पे बहुत समय से ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेशन पेंडिंग है, कुछ लोग ट्रिब्यूनल पे चैलेंज किए हुए हैं जाके दलपत सागर के मैटर को, और शायद जिला प्रशासन को और कुछ अन्य लोगों को भी उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है। जैसी जानकारी मुझे पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पता चला है कि जो एप्लीकेशन मूव हुई थी वो ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल इसको डिसमिस कर दिया। बेसिकली पॉइंट ये है कि दलपत सागर के मैटर पे अगर कोई लीगल पॉइंट था किसी के पास में तो उसको वहाँ पे जाके ट्रिब्यूनल में उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सामने वाला पक्ष उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने में फेल हुआ है, इसलिए एप्लीकेशन डिसमिस हुई है। ठीक, थैंक यू। दलपत सागर का मामला विधानसभा में उठा। ग्रीन ट्रिब्यूनल से आए निर्णय के बाद चित्रकूट विधायक दीपक बैज और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने दलपत सागर के क्षेत्रफल पर कब्जे की बात उठाई। संबंधित मंत्री ने इस पर किसी शिकायत से इनकार किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच की बात कही। चारों तरफ पसरी है गंदगी, आंदोलन और शिकायतों के बीच दलपत सागर के विकास के सभी कार्य रुक गए हैं। शहर के बीचों बीच स्थित सुंदर तालाब जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता था, पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। इस ऐतिहासिक तालाब में जहां पूरे शहर का गंदा पानी जाता है, वहीं इसके चारों तरफ गंदगी पसरी है। गैराज मालिकों ने सामने के पूरे हिस्से को ट्रक लैंड बनाकर रख दिया है। आम लोग इसकी हालत को लेकर जहां आंदोलन को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को भी कम जिम्मेदार नहीं मानते। दलपत सागर क्षेत्र में जल विहार के लिए रखी वोटें भी सड़ रही हैं, पर इनकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं है।
दलपत सागर मामले के पीछे का सच। दरअसल जगदलपुर शहर में 7 तालाब थे, 2 बचे हैं, 5 तालाब पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं। गंगा मुंडा तालाब में कुछ शासकीय पट्टे दिए गए, कुछ कब्जे की भेंट चढ़ा, लेकिन दलपत सागर एक ऐसा तालाब है जिसमें पूरा रकबा विद्यमान है। बावजूद इसके जगदलपुर में 5 साल से आंदोलन चल रहा है, 3 वर्ष से निर्माण कार्य रुके हुए हैं। एनजीटी के निर्णय आने के 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति अनिर्णय की बनी हुई है। कुछ लोग व्यक्तिगत खुंदस निकाल रहे हैं, पर इसका खामियाजा शहर के बीचों बीच तालाब की दुर्गति के रूप में सामने आ रहा है। जनप्रतिनिधियों की खामोशी भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल खास प्रस्तुति तफ्तीश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।